आगामी विधानसभा निवडणूक 2024 के उपलक्ष्य में माननीय वरिष्ठ हमारे अधिकारी नागपुर शहर आयुक्तालय इनकी तरफ से CRPF की 3 कंपनियां हम लोगों को दी गई, जिसमें 120 का स्टाफ और 15 अधिकारी, और उसी के साथ में माननीय ACP श्री विनायक कोते साहब अजनी डिवीजन, इनके मार्गदर्शन में, इनके साथ में हमारे पुलिस स्टेशन के 3 अधिकारी और 20 कर्मचारी के साथ में ये पूरा रूट मार्च आयोजित किया गया। इस रूट मार्च में जो क्रिमिनल डोमिनेटेड एरिया है उस एरिया में रूट मार्च आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यतः ये होने वाले विधानसभा इलेक्शन में किसी भी प्रकार के प्रलोभन को ये न होते हुए, प्रलोभन की तरफ न जाते हुए बिंदास नागरिकों ने वोटिंग करना चाहिए। कोई भी कायदा और सुव्यवस्था का अगर सवाल आता है तो डायल 112 पे कॉल करें। उसके बाद कोई भी सोशल मीडिया पे कोई मैसेज आता है जो जिससे कायदा और सुव्यवस्था बाधित हो सकती है तो इस बारे में पुलिस को तत्काल बताए। वैसे ही बैनर अलग अलग लगते हैं उसमें कुछ प्रक्षोभक दिखाई देता है तो पुलिस को जानकारी दी जाए, और एरिया में क्रिमिनल डोमिनेटेड एरिया में कायदा और सुव्यवस्था रहे, इस उपलक्ष्य में यह रूट मार्च आयोजित किया गया था। यह रूट मार्च मुख्यतः शताब्दी चौक से शुरू होकर शताब्दी नगर, रहाटे नगर टोली, रामटेके नगर, राजेश्री नगर, बेलतोरड़ी रोड से मेन रोड से होते हुए वापस शताब्दी नगर चौक पे लाया गया। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक सभी अधिकारी और अमलदार ने पूरी शिस्त के साथ